बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, लेकिन इसका आवत को गलत साबित कर दिया है मुजफ्फरपुर की एक हत्यारी माँ ने, जिसने अपने अवैध प्यार के खातिर अपने 3 साल की बच्ची की हत्या कर दी और सब को बैग में पैक कर दिया और छत के नीचे से फेंक दिया और अपने प्रेमी के पास चली गई। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज, मैं हूं दिव्यांशु। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि क्या सचमुच ऐसा भी हो सकता है, क्या औरत का ऐसा रूप भी हो सकता है, क्या औरत इस हद तक भी जा सकती है, क्या एक माँ कुमाता बन जाती है। सब कुछ आपको बताएंगे। मुजफ्फरपुर जिले का मामला है, मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में शनिवार को एक बंद सूटकेस में बच्ची का शव मिला था। सूचना मिली और मिठनपुरा थाने की पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची, मामले की जांच भी हुई और डेड बॉडी को अपने कब्जे में पुलिस ने लिया पोस्टमार्टम के लिए। जांच में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई थी कि बच्ची की हत्या के बाद से ही उसकी मां घर से फरार थी। इसी बीच आरोपी मां को पुलिस की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर हरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है उसके प्रेमी के घर से, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा किया है मुजफ्फरपुर सिटी SP अवधेश दीक्षित ने। और इस सनसनीखेज खुलासे को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहना है सिटी SP अवधेश दीक्षित का। दिनांक 24/8/2024 को मिठनपुरा में रामबाग स्थित जानकी वल्लभ शास्त्री लेन है, उसके पीछे ही एक किराए के मकान में व्यक्ति रहते थे, तो उनके घर के पीछे एक सूचना मिला था कि एक डेड बॉडी मिला है। डेड बॉडी लाल कलर के ट्रॉली बैग में बंद था। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए पहले तो कांड दर्ज किया गया और एक SIT का गठन किया गया, जिसमें SHO मिठनपुरा इसको लीड कर रहे थे। इसमें हम लोगों के द्वारा इमीडिएटली FSL को बुलाया गया और FSL ने भी काफ़ी समय उधर देते हुए कई सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य घर से बरामद किए, जिससे ये चीज़ कंफर्म हुई कि जो 3 साल की बच्ची थी उस बच्ची का मर्डर उसी घर में किया गया है। और इसके बाद में हम लोगों ने आगे अनुसंधान किया तो हम लोग के द्वारा कल जो बच्ची की माँ है उसके हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया है कि ये एक व्यक्ति रामपुर हरी थाना अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे प्रेम प्रसंग में थी और उसी के साथ में रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के चीज़ प्लान किया था कि साथ में रहेंगे, लेकिन उसका कहना था कि लड़की को तुम साथ में नहीं लाओगी और इसका कहना था कि मैं लड़की को साथ में लेके जाऊंगी। उसी द्वंद्व को लेकर के लड़की काफ़ी, ये जो महिला है जिसने मर्डर किया है, कंफ्यूजन में थी और जिस दिन घटना हुई है 24 तारीख को इसने लड़की को चाकू से उसका गला रेत करके और मार करके फिर इसने डेड बॉडी को लाल ट्रॉली बैग में रख करके और ऊपर छत पे ले जा करके पीछे जो एक खाली ग्राउंड है वहाँ पर उसने डंप किया और उसके बाद में नीचे आ करके पूरा छत प्लस जो उसका फ्लोर था उसको अच्छे से साफ किया ताकि पूरे साक्ष्य मिटाए जा सकें। लेकिन FSL के द्वारा उसमें वहाँ पर कई अलग अलग जगह से ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और इसके अलावा जो छत से भी हम लोगों को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वॉश बेसिन से भी हम लोगों को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वो जो चाकू है जिससे इसने मर्डर किया था उसको भी इसने धो दिया था, तो वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है। ये अकेले मर्डर की थी इसने संलिप्तता जब कांड की स्वीकार की तो इसमें एक और चीज़ इसने स्वीकार की कि ये क्राइम पेट्रोल देखती थी और क्राइम पेट्रोल में भी एक दो ऐसे एपिसोड आए थे जिसमें सेम इस तरह का मैटर था, तो उसी से प्रभावित होकर के और इसको वो आइडिया आया था कि गला काट करके और इसमें जो बैग है बैग में डाल देंगे ताकि कोई पहचान नहीं पाएगा। गिरफ्तारी इसकी रामपुर अली थाना से। ये पिछले 1 साल से लड़के के साथ में इसका अटैचमेंट था। किसको? प्रेमी का भी डिटेन नहीं किया है क्योंकि प्रेमी की हमें अभी तक भूमिका इसमें मारने में भूमिका नहीं रही है। प्रेमी के साथ में इसका, ये दोनों रिलेशन में थे लेकिन इसने स्वीकार किया है कि ये खुद ही प्रभावित हो क्राइम पेट्रोल से प्रभावित होकर के इसने मर्डर किया, ना कि प्रेमी की बातों में आकर के। सुना आपने अवधेश दीक्षित को, सिटी SP ने पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया है और इसमें कई चौंकाने वाले बात सामने आए हैं।
मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर हरी थाना क्षेत्र से मृतक बच्ची की मां काजल को उसके प्रेमी के घर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी मां ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसे फेसबुक पर एक युवक से प्यार हो गया, लेकिन उसका प्रेमी उसकी बच्ची को अपनाने को तैयार नहीं था। लेकिन काजल अपने प्यार को हर हाल में पाना चाहती थी, किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, और अपने प्यार को दूर होता देख उसने अपने बच्ची को ही खत्म करने का प्लान बना लिया। शुक्रवार को पति के दुकान जाने के बाद पूरा घर खाली था। काजल ने मौके का फायदा उठाते हुए मिष्टी की सब्जी काटने वाले चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी और फिर अपने ही घर में रखे हुए सूटकेस में उसे पैक कर दिया और ऊपर छत से फेंक दिया नीचे। फिर घर से जेवर, कैश और आधार कार्ड लेकर प्रेमी के पास चली गई। फरार काजल के मोबाइल को पुलिस ट्रेस कर रही थी और उसका लास्ट कॉल लोकेशन सीतामढ़ी बता रहा था। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, काजल के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। मामले में एक और बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि काजल क्राइम पेट्रोल सीरियल देखती थी, जिससे उसने ये प्लान बनाया था। इस पूरे मर्डर का प्लान उसने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर ही बनाया था। बच्ची का घर में कत्ल किया और फिर पन्नी में लपेटकर बैग में बंद करके कूड़े में फेंक दिया। घर में खून के धब्बों को पानी से धो दिया, चाकू को भी धो दिया। पति को किसी के जन्मदिन में जाने की बात कहकर चली गई। काजल ने इस हत्याकांड को उस वक्त अंजाम दिया जब उसका पति दुकान पर गया हुआ था। पुलिस ने आरोपी काजल को उसके प्रेमी के घर से गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 साल की मिष्टी की हत्या के बाद फरार मां काजल कुमारी की तलाश में पुलिस टीम ने सीतामढ़ी में उसके अंतिम टावर लोकेशन के आधार पर छापेमारी की थी। हालांकि उसका सुराग नहीं मिल पाया था। तब पुलिस को आशंका थी कि काजल प्रेमी के साथ नेपाल की ओर निकल गई है। मिष्टी के पिता मनोज कुमार के बयान पर हत्या की धारा में पत्नी काजल और अज्ञात के खिलाफ FIR कराई थी। कमरे में हत्या के बाद मिष्टी के शव को ट्रॉली बैग में रखकर घर के पीछे गड्ढे में फेंक काजल फरार हो गई थी। मिठनपुरा पुलिस ने काजल के मोबाइल का CDR निकाला, यानी कॉल रिकॉर्ड निकाला। इससे उसके नंबर पर 4 अलग-अलग नंबरों से काफी देर तक बातचीत होने के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने भी प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई थी, जो सटीक साबित हुई। पुलिस ने काजल को घटना के महज 48 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर अब पूरे मामले का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर दिया है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि आखिर माँ और बच्चे के पवित्र रिश्ते को इस कलयुगी माँ ने दागदार कर दिया है। अपने हंसते खेलते पारिवारिक जीवन को अवैध संबंध और क्षणिक दैहिक सुख के लिए खुद ही अपने हाथों से काजल ने बर्बाद कर दिया। अपनी बच्ची की निर्मम हत्या की, अपने पति को धोखा दिया और अकेला छोड़ दिया उस प्रेमी को भी। उसे भी धोखे में रखा, क्योंकि काजल ने उसे ये नहीं बताया कि अपनी बच्ची की हत्या करके उसके पास आई है। आखिर ये सब करने के बाद काजल को मिला क्या? मुजफ्फरपुर से मुकेश की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।